नमस्ते, मैं हूँ बाल रोहतगी। आज मैं आपके साथ कुछ और बात करना चाहती हूँ ऑन वाई सोसाइटी डेवलपमेंट्स। जी हाँ, सोसाइटी ने एक जो जनरल बायलॉज का ड्राफ्ट भेजा था, वो जनरल बायलॉज इतने ज़्यादा खतरनाक थे, इतने ज़्यादा अथॉरिटेटिव थे कि मुझे ऑब्वियसली इनिशिएटिव लेना पड़ा, उसका जवाब लिखना पड़ा। वो जवाब की कॉपी मैं आपके साथ इस वीडियो में ऐड करने वाली हूँ। आप देखना कि कहीं भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा गलत टोन का इस्तेमाल नहीं किया है। उनकी जो टोन थी, जो अथॉरिटेटिव फैसिस्ट टोन थी, उसी टोन को मैंने अपने जवाब में लेते हुए जवाब दिया है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको कहना चाहती हूँ, पूरा लेटर मुझे मेरे फादर ने डिक्टेट किया था। उसमें मेरे थोड़े बहुत इनपुट्स थे, मगर मेरे फादर जो IIT कानपुर से हैं, उन्होंने मुझे पूरा लेटर डिक्टेट किया था। उन्होंने जब पहला ड्राफ्ट डिक्टेट किया था, वो तो बहुत ज़्यादा उनके अथॉरिटेटिव टोन के अनुसार था। हमने तो बहुत ज़्यादा टोन डाउन कर दिया, बिकॉज हमें पता है कि यू नो, ये सब चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकती है। इसलिए मैं सभी सोसाइटी के मेंबर्स को कहना चाहती हूँ, जो शायद कमिटी से भी जुड़े हुए हैं, जिस टोन के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो टोन मेरी नहीं, मेरे पिताजी की है। बिकॉज मेरे पिताजी है ना, बकवास सुनते नहीं है। और आप लोगों का जो जनरल बायलॉज का ड्राफ्ट था ना, वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव था, बहुत ज़्यादा गलत था, और सभी मेंबर्स के पक्ष में हमने ये जवाब दिया था। ये दूसरी बात है कि मेंबर्स जिनके लिए हमने जवाब दिया था, क्योंकि हम भी मेंबर्स हैं, उनको लगता है कि हम बेवकूफ है एंड हमने ऑब्वियसली गलत जवाब दिया। बिकॉज बहुत सारे मेंबर्स हमें कंफ्यूज्ड माइंड्स कह रहे हैं, हमें यानी मुझे और मेरे फादर को, जिन्होंने उनकी ही बात रखी, सो दैट उनके बच्चों को भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो एंड उनके बच्चों को भी आगे जाके फाइन नहीं भरना पड़े बिकॉज ऑफ यू नो डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। बिकॉज देखिए, अगर Zomato का आदमी आया डिलीवरी वाला और उसने सोसाइटी की प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, तो वो सोसाइटी के मेंबर को उसका जुर्माना भरना पड़ता, नॉट दैट Zomato गाय। तो मैंने तो ऑब्वियसली सभी मेंबर्स के हित में वो ड्राफ्ट यू नो लिखा था, विच वॉज डिक्टेटेड टू बी बाय माई फादर। मगर बहुत सारे एजुकेटेड लोग समझते हैं कि वो टोन मेरी थी, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ, मेरी टोन तो भैया आप सुनी नहीं पाओगे। मैं तो बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ जब मैं आपसे बात करती हूँ, बिकॉज आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस डिजर्व नहीं करते कि मैं अपनी टोन में आपके साथ बात करूँ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, बींग असर्टिव इज नॉट अब्यूजिव। अब्यूजिव तो आपको पता है कौन है, आप सबने बिग बॉस देखा होगा, आप सब सलमान खान के फैंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अब्यूजिव इंसान कौन होता है। बींग असर्टिव इज बींग कॉन्फिडेंट, एंड आई एम असर्टिव, आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई वॉन्ट टू से वॉट आई वॉन्ट टू से। मैं बिकॉज एक औरत हूँ अपनी आवाज़ बंद नहीं करूँगी। तो ये थॉट प्रोसेस बहुत गलत है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जहाँ पर ज़्यादातर हिंदू है, वहाँ पर भी औरतें ऑब्वियसली ये सोसाइटी के मेन व्हाट्सअप ग्रुप में ज़्यादा नहीं है। दे हैव अ डिफरेंट ग्रुप जहाँ पर वो किटी पार्टीज के ऊपर बातचीत करती है। ये दूसरी बात है कि अब विमेन आर टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी व्हाट्सअप ग्रुप दैट इज सपोज टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द सोसाइटी। तो मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहती हूँ, हाउसकीपिंग को मैनेज कर रही है एक डॉक्टर साहब लेडी, वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस दैट यू आर एबल टू मल्टीटास्क योर प्रोफेशन एज वेल एज द सोसाइटी व्हाट्सअप ग्रुप एज वेल एज हाउसकीपिंग। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड ने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरे टोनैलिटी के ऊपर अटैक किया, कहा कि मैं रिस्पेक्ट और रिस्ट्रेन के साथ अपनी ओपिनियन रखूँ, जबकि वो सारी ओपिनियंस मेरे फादर की थी। मगर मैं खाली इतना ही कहना चाहती हूँ, एड्रेसिंग दैट पर्सन, आई रियली होप कि रिस्पेक्ट और रिस्ट्रेन ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो टू कैमोफ्लैज फ्रॉड एंड डिसीट, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इज द वे ऑफ लाइफ। आप सबको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, कागज दिखाने होंगे, तो अपने कागज ढूंढ लीजिए, कागज दिखाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप डिजिटल भारत में रहते हैं, आप कागज अपने घरों की अलमारियों के अंदर, तिजोरियों के अंदर छुपा नहीं सकते। जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है विद द मेंबर्स मनी, दैट ट्रांजैक्शन नीड्स टू बी पुट ऑन पब्लिक डोमेन। आई होप आई एम क्लियर। द CA ऑफ द सोसाइटी नीड्स टू बी सैक्ड, हु इज हैंडलिंग द अकाउंट्स, अ गवर्नमेंट ऑडिटर हैज टू बी अपॉइंटेड टू हैंडल द अकाउंट्स। आई होप आई एम क्लियर। बिकॉज ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता कि जो ऑनररी कमिटी मेंबर्स हैं उनको सैलरी मिल रही है कि वो फ्री फंड में ही ये सब कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनको सैलरी मिल रही है, देन दैट ऑल्सो नीड्स टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड ऑन पब्लिक डोमेन। और अगर वो फ्री में भी कर रहे हैं, तो हमको जानना है कि वो एक्चुअली फ्री है कि कहीं और से पैसा रूट हो रहा है। इसलिए अपने कागज ढूंढ लो और अपने कागज पब्लिक डोमेन में रख दो। यही मैं विनम्रता से कहना चाहती हूँ सारी सोसाइटी वालों से, स्पेशली द सीनियर लॉयर साहब, जिन्होंने ऑब्वियसली ये जनरल
बायलॉज का ड्राफ्ट प्रपोज किया था। आपकी दोस्ती बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, सुना है मैंने आपके घर पे गौरी खान जी भी आई थी जो शाहरुख खान जी की वाइफ है, वेरी नाइस, आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी वेल कनेक्टेड, वेरी पावरफुल, हमारे जो सोसाइटी के ट्रेजरर हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा मैंने सुना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। सो यहाँ पर मैं ऑब्वियसली नेम कॉलिंग नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ऑल दीज पीपल रियली डोंट मैटर। मैं खाली इतना ही कहना चाहती हूँ, आप लोग अमीर हो गए अपने घर में, आप लोग कनेक्टेड हो गए अपने घर में, मगर यहाँ पर मैं सोसाइटी के अंदर जितने भी 44 फ्लैट मेंबर्स हैं उनके हित में बात कर रही हूँ, उनके लिए बात कर रही हूँ। आई डोंट नो इफ दे वॉन्ट टू सपोर्ट मी और दे डोंट वॉन्ट टू सपोर्ट मी, मगर मैं जो प्रश्न रख रही हूँ उनसे सबको फायदा होगा अगर हमें जवाब मिलेगा ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, दैट इज अ सोसाइटी व्हाट्सअप ग्रुप, इफ दे वॉन्ट टू पुट इट ऑन सोसाइटी व्हाट्सअप ग्रुप और दे वॉन्ट टू ई मेल इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड। हमें जानना है कि भैया आप कमिटी मेंबर्स फ्री फंड में काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, आप ऑब्वियसली सोसाइटी का पैसा कैसे यूज कर रहे हैं। वी वॉन्ट ऑल द पेपर्स इन पब्लिक डोमेन। आई होप माई मैसेज इज क्लियर। ट्रेजरर साहब, आई नो यू, यू नो मी, आई सी यू, यू सी मी, सो लेट्स जस्ट बी ट्रांसपेरेंट बिकॉज द गेम हैज जस्ट स्टार्टेड। नमस्ते, जय हिंद।